बचपन में जब क्रिकेट खेलने से घर वाले रोके और पढ़ाई की रट लगाए, कहें कि क्रिकेट से कुछ नहीं होगा, कुछ बनना है तो पढ़ लो, तो एक बात तमाम लड़के मारे होंगे हमारी तरह। बात ये कि सचिन तेंदुलकर भी तो हाई स्कूल फेल हैं, पर देखो कितना बड़ा आदमी है। मगर सब क्रिकेटर तो हाई स्कूल फेल होते नहीं। आज हम आपको ऐसे ही क्रिकेटर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, बीटेक किया है, माने इंजीनियर क्रिकेटर्स। पहला नाम है रविचंद्रन अश्विन का। रविचंद्रन अश्विन इंडियन क्रिकेट के बेस्ट ऑफ स्पिनर्स में से एक हैं। अपनी गेंदों से बल्लेबाजों को छकाने वाले अश्विन भी एक इंजीनियर हैं। 33 साल के अश्विन ने चेन्नई के SSN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक की डिग्री ले रखी है। अश्विन ने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कुछ वक्त तक एक फर्म में काम भी किया था। इस दौरान उन्होंने क्रिकेट जारी रखा और आज उनके नाम 365 टेस्ट विकेट हैं। अश्विन के बारे में एक मजेदार बात यह भी है कि वो शुरुआत में ओपनिंग बल्लेबाज थे, बाद में खराब फॉर्म के चलते इंडिया अंडर 17 टीम से उन्हें रोहित शर्मा ने रिप्लेस किया था। शुरुआत में फास्ट बॉलिंग करने वाले अश्विन ने अपने पढ़ाई के बारे में कहा था, जहां तक मेरी इंजीनियरिंग डिग्री का सवाल है, अंडर 17 क्रिकेट खेलने के बाद मेरे माता पिता ने मुझे इंजीनियरिंग की तरफ मोड़ा था। दूसरा नाम है अनिल कुंबले का। जम्बो बोलते हैं लोगों को। टेस्ट और वनडे दोनों में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर कुंबले ने टेस्ट में 619 जबकि वनडे में 337 विकेट लिए हैं। भारत के बाकी सारे गेंदबाज इस मामले में उनसे पीछे हैं। अपनी तेज रफ्तार लेग स्पिन से नाम कमाने वाले कुंबले ने बेंगलुरु के राष्ट्रीय विद्यालय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BE की डिग्री हासिल की थी। पढ़ाई के महत्व के बारे में कुंबले ने एक बार कहा था, यह अच्छे और बुरे में बैलेंस बनाने में मदद करता है। क्रिकेट में आप सफलता की गारंटी नहीं ले सकते, इसलिए पढ़ाई आपको इससे पार पाने की क्षमता देती है। अगला नाम है जवाहर श्रीनाथ का। भारतीय क्रिकेट टीम अपने स्पिनर्स के लिए मशहूर रही है। शुरुआत से लेकर अब तक टीम में से कम एक कमाल का स्पिनर जरूर रहा है, कई बार तो दो तीन चार स्पिनर भी एक साथ खेले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में पेस बॉलर नहीं है, कई पेस बॉलर ऐसे हुए जिन्होंने कमाल किया है। इन पेस बॉलर्स की कोई भी लिस्ट जवाहर श्रीनाथ के जिक्र के बिना पूरी नहीं हो सकती। क्रिकेटर और मैच रेफरी बनने के अपने सफर से पहले श्रीनाथ एक इंजीनियर थे। उन्होंने मैसूर के श्री जय चमराजेंद्र कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में BE की डिग्री हासिल की थी। अपने साथी कुंबले की तरह श्रीनाथ भी शिक्षा को बेहद जरूरी बताते हैं। श्रीनाथ के मुताबिक, शायद आपको लग सकता है कि क्रिकेट और पढ़ाई को एक साथ रखना मुश्किल काम है, लेकिन मेरे अनिल कुंबले और कृष्णमाचारी श्रीकांत के अनुभवों को देखते हुए ये इतना मुश्किल भी नहीं लगता। अगला नाम कृष्णमाचारी श्रीकांत का है। धमाकेदार बल्लेबाजी और फिर कमेंट्री के लिए मशहूर हुए श्रीकांत भी एक इंजीनियर हैं। सुनील गावस्कर के ओपनिंग पार्टनर रहे श्रीकांत ने चेन्नई के गुंडी स्थित कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BE की डिग्री हासिल की थी। कॉलेज के दौर में क्रिकेट खेलने वाले श्रीकांत ने अपने फाइनल ईयर में आकर तय किया था कि वह क्रिकेटर ही बनेंगे। अगला नाम है श्रीनिवास वेंकट राघवन का। नई पीढ़ी के ज्यादातर लोगों ने वेंकट राघवन को अंपायरिंग करते हुए देखा है, लेकिन अंपायरिंग से पहले वह टीम इंडिया के रेगुलर मेंबर थे। वेंकट राघवन ने 70 के दशक में भारतीय टीम के लिए कमाल का खेल दिखाया था। चंद्रशेखर, बेदी और प्रसन्ना की चौकड़ी का अहम हिस्सा रहे वेंकट राघवन ने 57 टेस्ट मैचों में 156 विकेट लिए थे। बाद में वह ICC अंपायरों के एलीट पैनल का हिस्सा भी रहे। वेंकट राघवन ने चेन्नई के गुंडी स्थित कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। अगला नाम है इरापल्ली प्रसन्ना का। 70 के दशक में भारतीय बॉलिंग मुख्य रूप से चार बॉलर्स पर निर्भर थी, चंद्रशेखर, वेंकट राघवन, बेदी और प्रसन्ना। भारतीय क्रिकेट में इस स्पिन चौकड़ी का स्थान बहुत खास है। इस चौकड़ी का अहम हिस्सा रहे प्रसन्ना ने मैसूर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से डिग्री ली थी। प्रसन्ना ने इस बारे में कहा था, मेरी डिग्री ने बायो मैकेनिक्स और एरोडायनामिक्स समझने में मेरी काफी मदद की। इंजीनियरिंग का एनालिटिक्स वाला हिस्सा बेहतर एनालिसिस करने में आपकी मदद करता है। आखिरी नाम है शिखा पांडे का। शिखा पांडे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सीनियर पेसर हैं। शिखा ने साल 2014 में टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया था, उसके बाद से ही वो टीम की लीड पेसर हैं। शिखा ने क्रिकेटर बनने से पहले गोवा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से डिग्री ली थी। इसके बाद उनके पास कई मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफर भी थे, लेकिन उन्होंने इंडियन एयरफोर्स में जाना चुना। एयरफोर्स में सिलेक्ट होने के बाद शिखा ने इंडियन टीम के लिए डेब्यू किया। इस तरह से वो मेरिट पर एयरफोर्स ऑफिसर बनने के बाद क्रिकेटर बनने वाली पहली भारतीय हैं। आपके लिए ये नाम जुटाए थे हमारे साथी सूरज ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।